ये देखिए क्लच रिलीज किया मैंने, कार आगे बढ़ाया, ये बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक, वापस से क्लच प्रेस करना पड़ा। अब ये देखिए फिर ब्रेक फिर क्लच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज दिखाने वाला हूँ मैं बहुत ही बिजी ट्रैफिक में, जो कि सिटी ट्रैफिक होता है, ऑफिस आवर्स ट्रैफिक होता है, उसमें हम किस तरह से अपनी कार को लेके जाएंगे, किस तरह से हमारा क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का यूसेज होगा। तो फ्रेंड्स, ये स्पेशली जो ऑफिस आवर्स का ट्रैफिक होता है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, सिग्नल की वजह से जैम लग जाता है, और उसके बाद जो होता है वो आपने कंट्रोल करनी होती है अपनी कार को किस तरह से, उसके बारे में ये वीडियो करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, सिटी ट्रैफिक में जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा क्लच का यूज, देखिए आगे देखिए फिर सिग्नल हो गया है, और ये काइंड ऑफ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है। आगे जो भी आगे देखिए आप किस तरह से ट्रैफिक रुका हुआ है और किस तरह से हमें ड्राइव करना है। क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का कंप्लीट यूसेज, आपको गियर शिफ्टिंग का भी दिख जाएगा इसमें कि किस तरह से हमें गियर शिफ्ट करना चाहिए, किस तरह से कार को मूव करनी चाहिए अपनी। अभी सिग्नल में खड़े हैं हम, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक है। अभी जैसे यहाँ से मूवमेंट होगा, ये एक ऐसी लोकेशन है जो कि कोलकाता का सेंट्रल लोकेशन है, जहाँ पे आप कह सकते हैं ऑफिस आवर्स के टाइम में अच्छा खासा कंजेस्टेड ट्रैफिक हो जाता है, और यहाँ ड्राइव करना अपने आप में एक स्किल है, और क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का कंप्लीट यूसेज आता है इसमें। तो यहाँ पे आज सेंट्रल एरिया में लेके चलेंगे, और वहां पे क्या होगा कि आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में किस तरह से हम अपनी कार को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से मूवमेंट लाते हैं अपनी कार में, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का सबसे ज्यादा यूसेज आता है जब हम ट्रैफिक में होते हैं या स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, जो कि सिटी ट्रैफिक ऑफिस आवर्स ट्रैफिक होता है। तो उसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है न्यू ड्राइवर्स को स्पेशली। इनफैक्ट मेरे को यहाँ पे कोलकाता के भी बहुत जन है जिन्होंने कहा था कि इस लोकेशन पे आप ड्राइव करके देखिए कैसे लगता है, किस तरह से आप कार को कंट्रोल करेंगे और किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होना चाहिए। तो ये गाइडेंस के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीटली इस बारे में कर रहा हूँ जिसमें कि हमें क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज आएगा। अभी जैसे ही सिग्नल क्रॉस किए थे, एक फ्लाईओवर था जो कि हम नीचे की तरफ आए हैं, उसके बाद अब हम यहाँ से सिग्नल रेड है, ग्रीन हो गया है, अब ये फर्स्ट गियर मैंने लगाया। आप मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, ब्रेक रिलीज कर दिया मैंने, क्लच को रिलीज करना स्टार्ट किया, आगे देखिए बस मूव हो रही है, फिर से मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि राइट साइड से जो कार अंदर की तरफ आ रही है, देखिए इंडिकेटर लगा दिया उन्होंने, बाइक लेफ्ट से अंदर की तरफ आ रही थी मेरे तरफ, तो मेरे को ये देखते हुए अपनी कार को मूव करना है। अभी ये बस जो है अपने स्टैंड पे रुकेगी, तो मेरे को ओवरटेक लेने के लिए थोड़ा सा राइट की तरफ जाना होगा। ये देखिए राइट की तरफ गया, जजमेंट लगाया, क्लच ब्रेक को ध्यान से यूज करते हुए अपनी कार को मूव कर ली है। जस्ट अभी देखिए यहाँ से मूव करते ही मेरे को दूसरा सिग्नल मिल गया है, यहाँ पे फिर से मेरे को स्टॉप करना होगा। यहाँ देखिए सिग्नल स्टॉप करूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप स्लोली मूव करेंगे तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जनरेट होता है, बहुत जगह बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो जाता है, और नहीं तो आपका क्या है कि स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा। आगे चल के दिखाऊंगा मैं जी कितना कंजेस्टेड लोकेशन हो जाती है ड्राइविंग करते वक्त, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये लंबी वीडियो होने वाली है, तो इसको दो पार्ट में भी, और लंबी हुई तो तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो आप इसके कंटिन्यूएशन देखते रहेंगे, ये एपिसोड वाइज दे दूंगा इसमें अपने चैनल पे। आपने पिछला कोई भी एपिसोड नहीं ध्यान दिया है तो मतलब विजिट नहीं किया, देखा नहीं आपने तो देख लीजिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने सीरीज वाइज क्लच ब्रेक एक्सीलेटर की यूज की सीरीज वाइज वीडियो बनाई है। अभी यहाँ से देखिए मेरे आगे एक बाइक है, और यहाँ स्पीड लिमिटर है, तो मेरे को ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है, स्पीड में ज्यादा नहीं ले सकता हूँ मैं, विदिन 50 रहूंगा, ट्राई करूंगा विदिन 50 में अपनी कार को मूव कर रहा हूँ, अभी 40 है। जो कि अभी आप देखिए ट्रैफिक होने से क्या होता है कि आप स्पीड कंट्रोल में रखना होता है, लेकिन जैसे ही आप जब सबसे सामने होते हैं, सिग्नल ग्रीन होता है, उस समय जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि ठीक है ओपन स्पेस है, आप मूव कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ अभी, तो मैं एकदम आगे में था तो मेरे को स्लो मूव नहीं करना था, सामने खार मतलब मेरे को रोड क्लियर दिखा तो मैंने पुल कर लिया, लेकिन जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है या स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, उस सिचुएशन पे हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारा क्लच का यूज जो होता है, क्लच जैसे ही हम रिलीज करते हैं
तो बाइटिंग पॉइंट पे रिलीज कर से हो सकता है हमें वापिस से प्रेस करना पड़े अगर आगे का जो ट्रैफिक है वो स्लो हो जाता है या रुक जाता है। तो अभी सिग्नल में टाइमर है 10 सेकंड्स का, 9 सेकंड्स का, इसलिए मैं न्यूट्रल कर चुका था। अभी 5 सेकंड बचा है। टाइमर होने की वजह से क्या होता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि आपने अब न्यूट्रल करना है कि नहीं, या आपने कार अगर बंद किया तो स्टार्ट। ये देखिए टाइमर के हिसाब से जैसे ही 0 हुआ मैंने फर्स्ट गियर लगाया और आगे कार जैसे ही मूव होने लगी अपनी कार को मूव करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होता है, न्यू ड्राइवर्स को टाइमर स्पेशली जब सिग्नल में होता है तो न्यू ड्राइवर्स को इस चीज़ की थोड़ी सी आराम हो जाता है कि जब वो टाइमर देखते हैं कार अगर बंद है तो स्टार्ट कर लेते हैं, या अगर आप न्यूट्रल में किए हुए हैं तो क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर कर लें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आगे जो कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं तो वो क्या कार अपनी मूव कर लेते हैं, लेकिन जो न्यू ड्राइवर होते हैं वो जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है उसके बाद फिर फर्स्ट गियर लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनके लिए पैनिक सिचुएशन हो जाती है क्योंकि पीछे से जो व्हीकल आ रहे हैं या पीछे से जो कार या कोई भी कन्वेंस आ रहा है वो क्या होता है कि हॉर्न लगाने लगते हैं, तो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। टाइमर होने से क्या होता है, न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि वो टाइमर देख के 10 सेकंड होता है तो कार स्टार्ट कर सकते हैं, अगर 5 सेकंड बचा है तो आप क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा सकते हैं। यहाँ देखिए सिग्नल का ट्रैफिक है लेकिन ट्रैफिक अच्छा खासा हो रखा है, काइंड ऑफ बम्पर टू बम्पर है, तो हमें यहाँ से मूव करेंगे तो आप देखिएगा आगे जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा तो यहाँ पे मूवमेंट देखिए। अभी न्यूट्रल कर लिया मैंने, 10 की स्पीड है, देखिए इसलिए क्लच रिलीज है, मैंने न्यूट्रल किया। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, मेरे को एक दो जन कमेंट किए हैं कि आप ब्रेक प्रेस करते हैं लेकिन कार बंद नहीं होती है। इसलिए नहीं बंद होती क्योंकि मैं 10 की स्पीड में आते ही मेरी कार की स्पीड जब 10 होती है तब मैं क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर लेता हूँ गियर को। अभी जैसे हम सिग्नल के ट्रैफिक में हैं तो जैसे ही सिग्नल ओपन होगा तो स्लो मूविंग स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना आगे सिग्नल का जैम सा हो गया है। इस सिचुएशन में क्या होता है, स्लो मूविंग होता है, बम्पर टू बम्पर होता है, सारे जो व्हीकल्स होते हैं अपनी लेन से लेफ्ट राइट हो रहे होते हैं तो और ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। न्यू ड्राइवर्स को इसी जगह में जो लर्निंग कर रहे होते हैं या ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, जस्ट सीख चुके होते हैं, वो तो ट्रैफिक में लेके आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा घबराहट इसी चीज की होती है कि हम जैसे ही सिग्नल में रुके हैं, ये देखिए जिस तरह से अभी ट्रैफिक है, अभी आप देखिएगा राइट लेफ्ट जाते हुए यहाँ से ट्रैफिक में मूव होते हुए दिखेगा ट्रैफिक। तो उसमें क्या होता है, न्यू जो लर्नर होते हैं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर पैनिक हो जाते हैं कि अब हम स्टीयरिंग का यूज कैसे लें या ब्रेक क्लच एक्सीलेटर का यूज कैसे लें, तो उसको देखते हुए उन्हें मूवमेंट करनी होती है अपनी कार में। अभी देखिए जैसे बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक है, मैंने क्लच रिलीज कर दिया, सेकंड गियर लगाया, मेरे को फिर से देखिए स्लो मूविंग होगा तो मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ रहा है क्योंकि 10 से स्पीड आ गई लो। अभी मैं अपनी क्लच का यूज देखिए, मेरा क्लच का यूज लेते हुए रेड सिग्नल फिर से हो गया है, तो मैं कंप्लीट स्टॉप रख लूंगा अपनी कार को। कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा, सिग्नल फिर से रेड हो गया क्योंकि ग्रीन हुआ था, हम ट्रैफिक जैम में थे तो उस जगह वापिस से रेड हो गया तो स्टॉप करना पड़ा। अब वापिस ग्रीन होगा तो मूवमेंट होगा धीरे धीरे, तो उसके हिसाब से हम मूवमेंट करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स जैसे सिग्नल में मेरे को दिख रहा है 10 सेकेंड था, 6 5 सेकेंड्स हुआ अभी, तो जैसे ही डाउन हुआ है अभी सिग्नल देखिए 0 1 हो गया, 0 0 हुआ, मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लिया क्योंकि मेरे आगे 3 4 कार है, मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया। अब जैसे ही मूवमेंट होगा तो मैं क्लच को रिलीज करूंगा, ब्रेक रिलीज कर दी थी मैंने, क्लच रिलीज करूंगा और एक्सीलेटर प्रेस करके मूवमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी देखिए ट्रैफिक मूव होना स्टार्ट हो गया है लेकिन बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो गया। अब क्लच देखिए मैं रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आगे वाला जैसे ही मूवमेंट होगा उसके हिसाब से मैं अपनी कार का मूवमेंट करूंगा। अभी देखिए मेरे को फिर से ब्रेक अप्लाई करनी पड़े, राइट साइड से कार आ रही है, लेफ्ट साइड में बस है, तो मेरे को स्पेस देखते हुए अपनी कार को मूव करना होगा। मैंने सेकंड गियर में स्लोली क्लच को रिलीज कर दिया, अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी कार का। अभी यहाँ देखिए स्लोली मूव हुआ, अभी जैसे ही मतलब 500 मीटर भी नहीं चली है कार, मेरे को स्टॉप करना पड़ा, स्लो मूविंग है। तो ये जो ऑफिस आवर्स के ट्रैफिक होता है इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है सबके लिए, जो न्यू ड्राइवर होते हैं उन्हें क्या है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का यूज समझना होता है, थोड़ा समझ के अपनी कार जब तक मूव कर रहे होते हैं। अभी यहाँ देखिए थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो जाएगा, मैं स्लो मूविंग करूंगा। ये देखिए मैंने सेकेंड गियर लगा रखा था, 10 से बिलो गई स्पीड, फर्स्ट गियर लगा लिया, मेरे आगे देखिए थ्री व्हीलर है तो मैं
आगे का सिचुएशन देखते हुए अपनी कार को मूव करूंगा। लेफ्ट से टू व्हीलर आए हैं तो ये चीज का ध्यान रखना हमें, स्पेशली इस टाइप के ट्रैफिक में जो टू व्हीलर्स होते हैं आपको लेफ्ट से ओवरटेक लेते हुए आएंगे, उनके लिए लेफ्ट लेन प्रॉपर होती है। आगे उनको अगर कुछ ब्लॉक मिलता है तो वो आपके सामने आ जाते हैं। जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उस चीज से पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि सामने आते ही अगर आप कार मूव कर रहे हैं, आप थोड़ा दूर तक का जजमेंट लेके रखे हैं कि अब हमें गियर डाउन शिफ्ट करना है या थोड़ी सी स्पीड लेनी है, तो उसी बीच में अगर लेफ्ट साइड से कुछ आता है तो पैनिक सिचुएशन हो जाती है, न्यू ड्राइवर्स घबरा जाते हैं इस चीज को देखते हुए। इस चीज का ध्यान रखते हुए मूवमेंट करना चाहिए, और क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का मूवमेंट जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, स्पेशली जब हम स्लो मूविंग ट्रैफिक में होते हैं। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रैफिक है, लेकिन मैंने देखिए सेकंड गियर में लगा रखा हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस इसलिए रखा हुआ है। अगर आप न्यू लर्नर हैं ड्राइविंग मार्केट में, जैसे इस टाइप के सिचुएशन में कर रहे हैं जो ट्रैफिक होता है, तो उसमें आप क्या है थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए आगे वाली कार से, आपको एम्पल टाइम मिलेगा। ये देखिए रिस्पॉन्ड करने के लिए मैंने ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, फिर फर्स्ट गियर लगाया, तो आप ये चीज स्मूथली कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम टेल गेटिंग करेंगे कार की, जस्ट पीछे रहने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या होगा आपका फुट मूवमेंट होगा या स्टेयरिंग कंट्रोल होगा, तो आपको वो क्या है हड़बड़ में करना होगा। अभी देखिए 5 सेकंड बचा था सिग्नल का, इसलिए मैंने फर्स्ट गियर में रखा है कार को, न्यूट्रल नहीं किया था। तो जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ मैं आगे देखा, आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया। अगर यही चीज मैं जैसे कह रहा हूँ, आप अगर हम एकदम पास पास में चलाएंगे तो हमारा मूवमेंट जो है, फुट मूवमेंट जो है, हमें और फास्ट करना पड़ेगा ताकि हम कार को अपनी कंट्रोल कर सकें। लेकिन यही चीज है, जैसे कि आगे वाली कार से अगर थोड़ी सी डिस्टेंस में मेंटेन करता हूँ तो मेरे को घबराहट नहीं होगी या पैनिक सिचुएशन अराइज नहीं होगी अचानक से मैं पहुंच रहा हूँ। ये देखिए आगे डिस्टेंस कम हो गई, मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो किया, डाउन शिफ्ट किया, क्लच रिलीज किया। मेरे फुट मूवमेंट में ध्यान देते रहिएगा फ्रेंड, जैसे ही यहाँ इस टाइप के ट्रैफिक में हम पहुंचते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोलिए या स्लो मूविंग ट्रैफिक, आप देखिए मैं डिस्टेंस रखा हुआ हूँ तो मैं क्लच प्रेस करने की नीड नहीं पड़ी, मैं सेकेंड गियर में स्मूथली चला पा रहा हूँ। इस जगह क्या होता है कि बहुत जन होते हैं कि फर्स्ट गियर लगा सकते हैं या क्लच को रिलीज करते हैं। अभी देखिए स्टॉप हो गया ट्रैफिक, तो मेरे को क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लेना पड़ा क्योंकि एकदम कंप्लीट स्टॉप है मेरी कार। तो जब आगे मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपको दिखाऊंगा किस तरह से। ये देखिए क्लच रिलीज किया मैंने, कार आगे बढ़ाया, ये बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक, वापस से क्लच प्रेस करना पड़ा। अभी देखिए फिर ब्रेक, फिर क्लच, फिर वापस हल्का सा एक्सीलेटर, क्लच रिलीज, अभी सेकेंड गियर क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया था।